हेलो भाई, राम राम। कैसे हो सभी लोग? आज आपके सामने भाई ये गाड़ी है हुंडई नियोस, और नियोस का एक कॉर्पोरेट एडिशन है जो मैग्ना से एक वेरिएंट ऊपर आता है ना, कॉर्पोरेट एडिशन वो है। बराबर में चल रही है हमारी हुंडई ओरा, और बेसिकली भाई आज इस वीडियो में हम हुंडई ग्रैंड आई टेन नियोस की ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ढंग से चला के देखेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक बहुत पॉपुलर चॉइस है अगर बात करें हैचबैक में, आई टेन नियोस। क्योंकि बेसिकली आपको सारी चीजें जो है आई टेन नियोस में मिल जाती है। इसका जो है मैग्ना वेरियंट आता है, स्पोर्ट्स आता है, एंड जो है टॉप वेरियंट आता है। बाकी ये वाला वेरियंट जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट वेरियंट भाई मैग्ना जो वेरियंट है मैग्ना से 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगा के आता था, लेकिन उसमें ना कॉर्पोरेट एडिशन में आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती थी। हालांकि शायद फिलहाल के टाइम पे कॉर्पोरेट एडिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। बट बात करें इस गाड़ी की, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर गाड़ी ये क्यों है, इस चीज के जो है बेसिकली तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है कि लुकिंग फैक्टर इस गाड़ी का बहुत ही प्यारा है, आई10 नियोस का। खास करके ये जो नए वाली जो है जनरेशन, आप आगे देखो नियोस तरीके का आपको यहाँ पर भी ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड कैबिन देखो, बेसिकली अगर मैं आपको कैबिन दिखाऊं, प्लस स्पेशियस गाड़ी खूब है। फ्रंट की जो सीट है भाई, आपको वो 6-way एडजस्टेबल मिलती है, मतलब ऊपर नीचे भी आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजीली कर सकते हो। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है भाई इस गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.2 लीटर का काप्पा का पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत प्यारी परफॉर्मेंस आपको देता है। मतलब अगर आपको रेविंग करनी होगी, गाड़ी भगानी होगी, मतलब इनिशियल पावर्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बात करें अगर अपन टॉप स्पीड पे, तो वो भी आप इजीली से अचीव कर सकते हो। इससे पहले भी मैंने चैनल पे i10 न्यूज का ड्राइव रिव्यू किया हुआ है स्पोर्ट्स का, एंड ये भी जो है इंजन इसमें सेम ही है। एंड जो तीसरी चीज खास है इस गाड़ी में, वो है इस गाड़ी का स्पेस, इस गाड़ी का कंफर्ट। काफी स्पेशियस गाड़ी है दोस्तों ये, जैसे कि हैचबैक है, दिखने में छोटी लगती है, बट इसका कैबिन स्पेस बहुत ज्यादा है। एक प्रॉपर फैमिली कार है ये, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए जो स्पेशियस हो। पीछे की साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो काफी इनफ स्पेस आपको मिल जाता है भाई। एंड अपने हिसाब से आप देखो, मेरे आप देखो कितना यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, तो स्पेस के मामले में बहुत बढ़िया। दूसरा जो मेन फैक्टर होता है, दूसरा, अब ये गाड़ी बहुत दिन बाद में स्टार्ट हुई तो बार बार क्या बंद हो रही है। अब भाई एक चीज ये है कि जब इंसान i10 नियोस या कोई ऐसी गाड़ी लेता है, वो एक चीज जरूर सोचता है, सिटी ट्रैफिक में कैसी रहेगी, क्योंकि ज्यादातर के सिटी में चलानी होती है लोगों को गाड़ी, तो सिटी में गाड़ी कैसी रहेगी। तो उस चीज में इस गाड़ी की यूएसपी है, और यूएसपी ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो मैं फिलहाल कहाँ फंसा हुआ हूँ, सामने मेरी गाड़ी है, इधर जो है ट्रक है, बट ये नियोस छोटी गाड़ी होने के कारण काफी इजिली यहाँ से निकल जाएगी। और देखो भाई यहाँ से निकल गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा ओरा को देख के निकालना पड़ा आगे से, बट जो है नियोस बहुत इजिली कहीं भी घुस जाती है, कहीं भी निकल जाती है। एंड बात करें इसकी कटिंग की, तो बहुत प्यारी कटिंग होती है, खास करके लिए अगर आपको सिटी या हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चाहिए, या आपको अपने ऑफिस के लिए गाड़ी चाहिए जो आपको रोजाना अप एंड डाउन करना होगा इस गाड़ी से, तो i10 नियोस एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकता है। और खास बात क्या है कि खास बात आपको नियोस में सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन, एक बहुत ही बढ़िया चॉइस यहाँ पर बना देता है। क्योंकि i10 नियोस में और हुंडई ओरा, इन दोनों गाड़ियों में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलता है, जिसमें आपको माइलेज भी काफी अच्छा मिलता है, एंड काफी पॉकेट फ्रेंडली भी पड़ती है। अब ड्राइव रिव्यू की बात कर रहे थे भाई, गाड़ी सिर्फ 4231 किलोमीटर चली है, एंड मैं सिटी में चला रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद में हम हाईवे पे पहुंच जाएंगे, तो वहां हम इसको जो है रेव अप करके भी देखेंगे। तो सिटी वाइज चलाने में आपको कोई परेशानी, मतलब बेस्ट कार आप बोल सकते हो यार, क्योंकि सिटी में तो यही चाहिए होता है ना, कि इजी टू हैंडी गाड़ी हो, फट जैसी मुड़ जाए, या ज्यादा देखना ना पड़े कि इधर उधर टच ना हो जाए, उस तरीके की गाड़ी, मतलब जितनी कॉम्पैक्ट गाड़ी रहेगी उतनी ज्यादा बेटर रहेगी सिटी वाइज। तो स्टेयरिंग की बात करते हैं, तो भाई स्टेयरिंग कंट्रोल, जो लोग भी आप में से नियोस वगैरह लेना चाहता है, तो मैं बता दूं बहुत ही प्यारे स्टेयरिंग कंट्रोल जो है आपको मिलेगा। आप प्यारी सी हल्की सी, मतलब यूं कटिंग में आप गाड़ी बहुत अच्छे से मूव कर सकते हो, ये देखो। एंड पिकअप भी बहुत तगड़ा है, बहुत ही प्यारा पिकअप है। यही खास बात है इस गाड़ी की, ये खास बात है कि आप कहीं भी, मतलब काफी इजीली, मतलब अगर आप पहली बार i10 नियोस चलाओगे ना, तो आपको मुश्किल से इस गाड़ी को 2-3 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, उसके बाद में बहुत हैंडी हो जाएगी। अब देखिए, अब सेकंड गियर में मैं इसको चला रहा हूँ, एंड 50 पे पहुंच गई है। काफी बढ़िया इनिशियल जो है पिकअप अपने को इस गाड़ी में मिलता है। अब ये जो वन वे है, तो ज्यादा यहाँ भगा नहीं सकते, बट एक चीज जरूर है, जैसे कि मैं ओरा ओना रू नियोस में बैठने के बाद ना, मेरे को थोड़ा सा ऐसा जरूर लग रहा है कि अरे तो ठीक है रे, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओरा में कहीं कहीं में लगता है देखना पड़ता है पीछे की साइड ये वो। बाकी इसमें क्या, इन्होंने पीछे कैमरा लगवा रखा है, ओरा में कैमरा नहीं आता। कॉर्पोरेट एडिशन में बेसिकली यही आता है, मतलब बाहर से जो है लगवाना पड़ता है। अब देखिए, अब जैसे सामने से ओरा निकल रही है, एंड अब मैं निकलूंगा, तो मेरे को ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। ये देखो, मैं आराम से इजिली निकल सकता हूँ, क्योंकि
एक तो देखो प्राइस रेंज है, अगर हम बात करें लगभग 6.5 लाख के आसपास आपको जो है मैगना मॉडल मिल जाता है आपको i10 का, एंड इसके ऊपर आप जो है 7.5-8 लाख तक भी चले जाओ अगर आपको टॉप एंड वेरिएंट चाहिए तो इतने का आ जाता है। अगर सीएनजी में जाओगे तो सीएनजी में भी जो है आपको 8.5 लाख रुपए के आसपास ही पड़ेगा, फिलहाल मुझे प्राइस एग्जैक्टली पता नहीं है, बट चलाने वाइज गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ फोर्थ गियर में, गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड पे, बढ़िया। फोर्थ गियर में अगर मैं यहाँ पर रेव अप करूंगा तो रेव अप हो जाएगी, बट सामने भैंस है तो वो दिक्कत मुझे दे देगी। खैर मैंने वो भी चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये देखिए कटिंग, देखिए कितनी प्यारी कटिंग है। तो अब अगर मैं इस गाड़ी को रेव अप करूं, देखो फोर्थ गियर में है, सत्तरवे चली गई है फोर्थ गियर में, और ऐसा लग नहीं रहा है कि फिफ्थ गियर गाड़ी ने मांगा हो, क्योंकि 2000 RPM से जस्ट क्रॉस हुआ है। सामने क्रेटा चल रही है, एंड यहाँ पे मैं गाड़ी रोक के जीरो स्पीड करके गाड़ी की, उसके बाद में गाड़ी को दोबारा से चलाऊंगा। तो ये देखो भाई, अब मैं आपको गाड़ी का असली परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस है। फर्स्ट गियर में डाल दिया, गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है, पीछे कोई नहीं है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, रेस करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो ये देखो भाई, ठीक है, ठीक है, जो है व्हील स्पिन हुआ है। सेकंड गियर में चल रही है गाड़ी 60 की स्पीड पे, 70। थर्ड गियर में जो है भाई 80, एंड ब्रेकिंग भी सही है। कटिंग भाई देखो कितनी प्यारी कटिंग चल रही है, फोर्थ गियर में 90, फोर्थ गियर में अब लगाई है, एंड फिफ्थ गियर गाड़ी मांगने लग गई है, सोच लगाया फोर्थ गियर में। अरे यार ये खास बात है होंडा की, 100 की स्पीड पे आपसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, इतनी प्यारी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। अब सीधा डाउन हिल हम जाएंगे, एंड लेट्स सी, ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, एंड रियली गुड ब्रेक इट इज भाई, बहुत प्यारी ब्रेकिंग भी आपको मिलती है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ऐसे नहीं लगेगा कि आपके हाथ में से गाड़ी निकल रही है, कुछ निकल रही है। फिलहाल गाड़ी 70 की स्पीड पे है, सामने ब्रेकर है, ब्रेकर पे हम ऐसे कैसे ले जाके देखेंगे, एंड आई विल टेल यू द रिस्पॉन्स, और आवाज भी आएगी आपको, बढ़िया, बहुत आराम से उतर गई है। कैबिन में ज्यादा जो है गड्ढा फील यहाँ पर नहीं हुआ है, ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी की इनफ है, मतलब आपको भाई ज्यादा गड्ढे वाले रास्ते में ले जाओगे देखो भाई फिर तो अड़ी जाएगी, है ना, बट नॉर्मली जैसे ऐसे ब्रेकर वगैरह है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं। और ब्रेकर भी आया करे ना, कभी आपको ऐसा लगे कि ज्यादा बड़ा ब्रेकर आ गया तो उस पर थोड़ा एस बना के निकाला करो आप, तो क्या गाड़ी नीचे से अड़ती नहीं है। तो बेसिकली काफी बढ़िया है। सेकंड गियर में वापिस से मैं अगर एक्सीलेटर पूरा पंजा रख दूं तो ये देखो भाई सीधा उठती है गाड़ी, मतलब यही चीज है हुंडई का ट्रांसमिशन, यही है कि यार बहुत बेहतरीन मिलता है, एंड अब वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, स्पेशली अराउंड द कॉर्नर जो कि आप सामने देख सकते हो, कॉर्नरिंग हम करने वाले हैं। ये देखो भाई बिल्कुल किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है यहाँ पर आपको नहीं आएगी, हाँ काफी कॉन्फिडेंट आपको जो है फील होगा। 80 के बाद में जो है आपको ये अलार्म करेगी, फोन करेगी कि 80 क्रॉस हो चुकी है स्पीड, एंड कंफर्टेबल भी है, सीट भी काफी कंफर्टेबल फील हो रही है मेरे को फिलहाल चलाते हुए, एंड 90 की स्पीड पे जो है भाई फिलहाल गाड़ी चल रही है और बहुत बढ़िया फील आ रहा है। अगर मैं पूछूं सौरभ से, सौरभ भाई तुझे कैसा लग रहा है फिलहाल 90 की स्पीड पे गाड़ी में बैठ के? कंफर्ट एकदम, स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। डर लग रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, पक्का हुंडई की गाड़ी में होता ही नहीं है, शार्प कटिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है। तो ये चीज है, भले ही ये है कि हैचबैक है, थोड़ी छोटी गाड़ी है, बट जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है हुंडई की बाकी गाड़ियों की जैसे, ये चीज डेफिनेटली है, एंड डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है मार्केट में। अगर आप 6-7 या 7.5 लाख रुपए के आसपास अगर आप जाते हो और आप लोगों को गाड़ी चाहिए ऐसी जिससे आप लॉन्ग ट्रिप भी कर पाओ, सारी चीजें कर पाओ, तो ग्रैंड i10 न्यूज कैन बी ए रियली गुड ऑप्शन डेफिनेटली। एंड स्पेशली इसकी जो स्टेयरिंग पे आप देखो, अब 80 पे स्टेयरिंग है, ये देखो क्या, देखो बिल्कुल गाड़ी मूव नहीं हो रही इतने पे। अगर मैं इसको यहीं पे 100 पे करूंगा, ये देखो अभी मैंने इसको देखो स्टेयरिंग और टाइट हो गया, स्टेयरिंग और टाइट हो गया है, एंड गाड़ी मूव नहीं कर रही है, ऐसे आप देख रहे हो गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। और ये खास बात होती है किसी भी गाड़ी में होने की, क्योंकि जब ज्यादा स्पीड पे अगर आप गाड़ी का हैंडल, कई बार क्या होता है कि कुत्ता आ गया, नील गाय आ गई, तो इंसान एकदम से डर के मारे गाड़ी यूं यूं कर देता है, यूं करते ही गाड़ी में बॉडी रोल हो जाता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए काफी अच्छे तरीके के स्टेयरिंग जो है यहाँ पर हुंडई डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करती है। अब एक जो है हम यहाँ पर आपको कटिंग भी लेके देखेंगे कि कैसी कटिंग है, ध्यान से देखना दोस्तों, भाई बहुत तगड़ी कटिंग ली है, शायद जो है कैमरे में आपको ये दिखी ना हो, क्यों सौरभ? बहुत प्यारी कटिंग ली है, ऐसा लगा है कटिंग लेते हुए जो है गाड़ी स्किड कर गई, लेकिन मुझे अंदर बैठ के ना यूं नहीं लगा कि गाड़ी में बॉडी रोल वगैरह की भी कोई दिक्कत है, 1% भी जो है मुझे बॉडी रोल की गाड़ी में दिक्कत नहीं लगी।
तो यही चीज है भाई। और इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है, मैं आप लोगों को अपने वाले पर बताऊं, अगर हो पाए ना, अगर आपकी रनिंग ज्यादा हो तो भाई आप सीएनजी वाला वेरिएंट लो, क्योंकि हुंडई की जो कंपनी फिटेड सीएनजी है ना, आपको पता नहीं चलेगा वो पेट्रोल में गाड़ी चला रहे हो या सीएनजी में चला रहे हो, बहुत ही मामूली से आपको लैग मिलेगा। आप लोगों को पता है मेरे पास हुंडई हो रहा है सीएनजी वाली, एंड जो भी इंसान उसको चलाते हैं ना, वो कहता है कि पता नहीं चल रहा कि भाई सीएनजी में गाड़ी चल रही है पेट्रोल में गाड़ी चल रही है। तो यही था ड्राइव रिव्यू भाई, अगर आपको ये गाड़ी लेनी है आप भी टेस्ट ड्राइव लेके देखना, आप लोगों को मजा आ जाएगा, एंड डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ड्राइव रिव्यू अच्छा लगा होगा। गाड़ी बहुत गंदी थी, जल्दी जल्दी में जो है हमें पानी मार के लाए थे हम गाड़ी पे, एंड कपड़ा नहीं मारा तो वापस से जो है गंदी हो चुकी है। तो ड्राइव रिव्यू बढ़िया होगा तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरीके की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रशांत चौधरी।